सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज शुक्रवार है और आज हम जो पेश करने जा रहे हैं मोमेंट फ्राइडे, जो कुछ अलग है। आप अपने विचार और अपने अनुभव को हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर साझा कर सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक, PSJ, TVS आसनसोल, कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709, और टोल फ्री नंबर आर 1800123999933। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी चुनाव का माहौल है। हालांकि यह स्थानीय विकास के लिए भूमिका निभाता है, लेकिन युवा मतदाता के कुछ अपने अपने विचार हैं। वे अधिक मुखर और सक्रिय हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। दिस न्यूज स्पॉन्सर बाय हिलव्यू हॉस्पिटल, योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी का न्यूज मोमेंट में स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं बनपुर के श्याम बंद वाले एरिया में। वहां पे हम लोग कुछ युवाओं से मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाला नगर निगम चुनाव 12 फरवरी को होने वाला है। उस चुनाव में अभी के युवाएं अपना जो भी सरकार चाहेंगी, उस सरकार से वो क्या उम्मीद रखती हैं अपने बारे में, आइए बात करते हैं कुछ युवाओं से। क्या नाम हुआ आपका? ममता सिंह। ममता सिंह, आप अपने आप पहली बार वोट दे रही हैं या फिर दूसरी बार? दूसरी बार वोट दे रही हैं। तो आप दूसरी बार वोट दे रही हैं, तो आप जो भी सरकार चाहेंगी, आप जिसको भी वोट देंगी, उससे रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड, अपने शिक्षा से रिलेटेड, आप अपने सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, वो आपके लिए क्या क्या करेगा? हम अपने होने वाले काउंसिलर से उम्मीद रखते हैं कि हमारे घर के सामने जो सड़कें हैं उन्हें पक्की बनाए, और घर के जो गंदी पानी है उनको निकलने के लिए सुविधाजनक नालियाँ बनाए। और यहाँ वहाँ हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर कूड़ेदान बनाए। जैसा कि यहाँ पे आप कैमरे को घुमाइए, कैमरे को देख सकते हैं यहाँ पे कितना कूड़ा फेंका हुआ है। रास्ता सही भी नहीं है। इस रास्ते से मैं यहाँ पे आई हूँ, सारा रास्ता वैसे तरह कच्चा दिख रहा है। तो आपका क्या उम्मीद, आप क्या चाहेंगे? क्या नाम आपका? जूली कुमारी। मैं ये चाहती हूँ काउंसिलर से कि यहाँ अगल बगल बहुत से कूड़ेदान नहीं है, जो कि मैं देख रही हूँ। 5-6 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा है ही नहीं, जो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कूड़ेदान एक होना चाहिए, जो कि हम लोग के लिए सुविधा हो। और यहाँ पे कच्ची रोड है, उसे पक्की किया जाए, और नाला भी जगह जगह पे नाला बनाया जाए, ताकि हम लोग को सुविधा हो। आइए मिलते हैं और लोगों से। क्या नाम हुआ था? आप इलेक्शन को लेकर जिनको भी वोट देंगे, उनसे उस काउंसिलर से, उनकी सरकार से आप क्या चाहेंगे? पाड़ा की उन्नति को, पाड़ा में जो समस्या है, लाइट का प्रॉब्लम हुआ, रोड का प्रॉब्लम हुआ या पानी का प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए जितना हो सके। मेरा नाम महेश। और यहाँ कुछ और लोगों से मिलते हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आप कितने दिन से वोट दे रहे हैं? करीबन 2 साल से मैं वोट दे रही हूँ। तो आप जो गवर्नमेंट चाहेंगे, जिसको भी इलेक्शन पे खड़ा करेंगे या फिर जिसको भी वोट देंगे, उस गवर्नमेंट से आप डेवलपमेंट के नाम पर क्या उम्मीद रखें? जी, मैं डेवलपमेंट के नाम पे सबसे पहले यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, इन सबको सबसे पहले ठीक करवाएं, और यहाँ पे बच्चों के लिए जो कि एक एजुकेशन स्कूल खुलनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल के लिए काफ़ी दूर जाने पड़ती है, आसनसोल तक जाने पड़ते हैं, पेरेंट्स लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है,
और जैसे हम युवा लोगों के लिए, जैसे कि जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। जैसे कि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ तो जाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ती है, उसके लिए हाफ़ जाने में हाफ़ आना नहीं पड़ता, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा था। आप चाहते हैं कि इस लोकल एरिया में लाइब्रेरी, जैसे कि हाँ जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले तैयारी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गीता यादव है। आप सिटी नहीं से बोल रहे? हाँ चाचे, आप भी बोल रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड तो 5 years में होता है, बट यहाँ काउंसिलर बोर्ड जो भी होते हैं 3 years में, मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ। तो आप जो काउंसिलर, जो अभी काउंसिलर का इलेक्शन होने वाला है, आप जो जिसको भी अपनी सरकार अपने तरफ से वोट देंगे, जो सरकार खड़ा करना चाहेंगे, उससे आप डेवलपमेंट के नाम पर क्या उम्मीद रखते हैं? आजकल जो यंगस्टर की मांग है, जैसे कि स्टडी, हाँ उसके बाद थोड़ा तो एरिया भी डेवलप करना चाहिए। जैसे कि हम जो एरिया में हम रहते हैं वहाँ जितने हम, मेरे यहाँ पे घर बना हुआ 5 साल हो चुका है, बट जब हम जैसा आए थे, जो जैसा था आज भी वो ऐसा ही है, कोई सुधार, कोई सुधार नहीं आया है। जो लोग अपने अपने खर्चा से करा रहे हैं वही सुधार है, बट उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं किया है। तो यही उम्मीद है कि अगर जो भी आए आज के में, यहाँ पे जो लड़की लोग का माहौल है, जैसे कि थोड़ा आउट एरिया में पड़ता है सांबान, थोड़ा अंदर में है, 8 बजे के बाद यहाँ पे आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एरिया का। हाँ, जो लड़की लोग पढ़ाई कर रही है, कम एज की हो ज़्यादा एज की हो, वो तो पढ़ाई पे निर्भर है अपना, जो पढ़ती है वो रात में जाने में सोचना पड़ता है कि अकेले कैसे जाएंगे। हाँ, जो जॉब करती है उसके लिए भी है। हाँ। तो खैर, जॉब तो आदमी बाहर अंदर करता रहता है, पर स्टडी के लिए तो यहाँ पे जैसे कि और भी लोग हो रहे हैं, लाइब्रेरी चाहिए, वो तो एकदम जरूरी ही है। प्लस कि यहाँ का रास्ता आप दिखा सकते हैं, रास्ता को भी बहुत ही गंदा है और पानी का भी माहौल नहीं है, प्लस नाला यहाँ पे इतना झमेला होता है कभी कभी एक दूसरे के लिए, यहाँ कचरा फेंका जाए, वहाँ डस्टबिन, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं बस यही सरकार से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जो भी आए थोड़ा इधर का भी माहौल को देखें, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है, रास्ता, नाला, डस्टबिन। पश्चिम बंगाल माध्यमिक 2022 पात्रता मान। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए पात्र होने के लिए छात्र को निम्नलिखित पश्चिम बंगाल माध्यमिक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। 1 मार्च 2022 को छात्र की आयु या तो 15 या 16 वर्ष की होनी चाहिए। उसे अपनी 9वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करनी चाहिए। एक छात्र को पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा के लिए उपस्थित की शर्तों को पूरा करना चाहिए। माध्यमिक परीक्षा शिक्षा बोर्ड और बेहतर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई की शिक्षा की शिक्षा दी है। 2022 की पश्चिमी शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी, जो 16 मार्च तक संशोधित होगी। 7 अक्टूबर 2022 बंगला, हिंदी या मातृभाषा। 8 मार्च 2022 को हिंदी। 9 मार्च 2022 सूचनांक। 11 मार्च 2022 स्मृति। 12 मार्च 2022 जीव विज्ञान। 14 मार्च 2022 विज्ञान। 15 मार्च 2022 को भौतिक और 16 मार्च 2022 को ऐच्छिक विषय। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए छात्राओं को निम्नलिखित तैयारियां युक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। साल भर नियमित रूप से विषय वस्तु का पुनरीक्षण और अध्ययन करें। नियमित रिवीजन यह सुनिश्चित करेगा कि एक छात्र द्वारा अवधारणाओं को पूरी तरह से समझ लिया जाए। एक छात्र को परीक्षा से पहले व्यापक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि छात्र परीक्षा के प्रत्येक पहलुओं में सफल होगा और यह अध्ययन के उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। तैयारी के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए छात्रों को खुद को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करना चाहिए। छात्रों को परीक्षा पैटर्न को समझने और परीक्षा में आने वाले सामान्य
रुझानों और प्रश्नों से परिचित होने के लिए नकली प्रश्न पत्र और नमूने प्रश्नों को हल करना चाहिए। सलानपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस की ओर से रूप नारायणपुर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन किया गया। प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, महासचिव भोला सिंह, पंचायत समिति अध्यक्ष फाल्गुनी करमकार घासी, सह अध्यक्ष विद्युत मिश्रा एवं लक्ष्मी भंडार सहित विभिन्न परियोजनाओं से वंचित हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकारी समारोह में दरवाजे पर जाकर फॉर्म उठाकर आवेदन करना चाहिए, सभी बाजार टोपी बन जाएंगे। इस दिन यह भी कहा गया कि अलकुशा जल परियोजना की तरह बोनविद्धि के छोड़े गए कोयले खनन के पानी को शुद्ध करके घरों में पेयजल के रूप में आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए एक विशेष परियोजना को अपनाया गया है। इसके अलावा योजना बनाई गई है प्रखंड के जोरबाड़ी और बथनबाड़ी क्षेत्र में दो नई जल पुल पूर्ण जल टंकियां बनाकर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रखंड के अलादी गांव और करा गांव में दो नई पनडुब्बी स्थापित की जाएगी। एक माह के भीतर सलानपुर, जीतपुर और अलादी पंचायत क्षेत्र में तीन नई पनडुब्बियां स्थापित की जाएगी। सलानपुर पंचायत समिति करीब 1,00,000 रुपये खर्च करेगी। সারাপুর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সবসময় প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছি এবং সেই কাজের মধ্যে আমাদের প্রচুর কাজ হয়, যেমন রাস্তা আছে, ড্রেন আছে, বেশ কিছু জায়গায় সাবমার্সিবল আমরা প্রচুর করেছি এবং আগামী দিনেও আমরা প্রচুর করবো। যেহেতু আমাদের এখানে জলের সমস্যাটা খুব বেশি, তাই আমরা সাবমার্সিবলের উপর জোর দিয়েছি এবং যেখানে যেখানে টিউবওয়েল যারা চেয়েছে সেখানেও দিয়েছি এবং প্রচুর আমরা রিপেয়ারিং করেছি এবং আগামী দিনেও আমরা করছি। আর আমাদের এখন এনআরজিএস থেকে অ্যাকশন প্ল্যান পুরো রেডি আছে, সেটা আমাদের টেন্ডার হবে এবং সেই সমস্ত কাজগুলো শুরু হবে। রিসেন্ট আমাদের যে কাজগুলো হচ্ছে তার মধ্যে তিনটে পঞ্চায়েতে তিনটে সাবমার্সিবল আছে, একটা সালানপুর পঞ্চায়েত, একটা আছে আল্লাডি পঞ্চায়েত, আর আরেকটা আছে এই জিতপুর পঞ্চায়েত, আর একটা আছে কল্যা পঞ্চায়েত। এছাড়াও সেই রাস্তা বা ডিপ টিউবওয়েল যেগুলো হাইমাক্সও আছে দুটো, একটা আল্লাডিতে আছে, একটা কল্যাতে আছে। তো নতুন কিছু রাস্তাও আমরা ধরেছি এইবারে, হয়তো 25 তারিখে টেন্ডার হবে। তারপরে প্রায় 37,00,000 টাকার কাজ আমরা রিসেন্টলি 1 মাসের মধ্যে और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहां पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डीफिट, वैक्स बाथ, इन्फ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली, GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। गुरुवार खेल के मैदान पर काम कर रहा है। F आरोप गायपुर में क्षेत्र में आरोपित उठता है। इस प्रकार दुर्गापुर शहर के लोग रंडर रुया गांव के गांव से विरोध में दिन में ग्रामीण क्षेत्र ने विरोध प्रदर्शन में खारिज कर दिया। जब पुलिस इस घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची तो क्षेत्र के लोग पुलिस में शामिल होते। कुछ घंटे के बाद स्थिति पुलिस के आश्वासन को नियंत्रित करने के लिए आई। ACP दुर्गापुर पुलिस आयुक्त ACP इस दिन भर की खबर के बाद मौके पर आए।
उत्साहित ग्रामीणों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन के साथ काम किया। समाचार प्राप्त करने के बाद कोकावेन पुलिस ने में विशाल पुलिस बल जैसे स्पॉट में देखा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस के चारों ओर मजबूत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत काम करना बंद करने की मांग की। स्थानीय लोगों को इस घटना के आसपास पुलिस से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि घटना पुलिस के साथ भी हुई। यहाँ तक कि हालांकि सभी आरोपियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवी बल या NV पुलिस छापे को जगह जगह पर स्थापित किया, क्योंकि पूरी घटना में तनाव बना हुआ था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। We also provide all types of competitive classes like SSC, RAIL, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. उस वार्ड के CPM प्रत्याशी शिवनिधा मंडल ने शिकायत की। उसी वार्ड के CPM प्रत्याशी शिनिग्धा मंडल ने शिकायत की। उन्होंने गुरुवार को कुल्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। चुनाव प्रचार में ऐसा आरोप लगाया गया है और पूरे क्षेत्र के राजनीतिक दबाव फैलने लगा है। पत्रकारों को सारी जानकारी दी गई। सुजीत बसु ने कहा कि इससे पहले 13 जनवरी को पार्टी की ओर से पूर्णिमा के रिटर्निंग ऑफिसर और आसनसोल अनुमंडल दंडाधिकारी अभिज्ञा पंजर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के प्रभारी रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी सभी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है और उन्होंने कुल्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अगर पुलिस प्रशासन या चुनाव आयोग अगले 15 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं करता है तो वे उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। CPM नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया वेबसाइट पर। इसमें उनके नाम है आगे बाबा सुखमय मंडल मेल लिखा गया है, जिसका अर्थ पुरुष पुत्र है। हालांकि 9 अप्रैल 2009 को दिए गए सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी में पति के तौर पर सुखमय मंडल का नाम है, जहाँ पुत्र या पुत्री का विदा लिखा हुआ है। उसके आगे पत्नी भी लिखा हुआ है। माकपा नेता ने अपने आरोपों के समर्थन में कहा कि श्यामा मंडल का घर झारखंड के जामताड़ा जिले के जियालजुरी गांव में है। मतदाता सूची में उसके पिता बीरेन मंडल और उनकी बेटी का नाम है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल इंटरेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। और अब बारी हमारे चैनल से संबंधित भाषा हिंदी में कविता। कविता का शीर्षक है इस नेता का प्रबंध करो। कविता के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा। तो बढ़ते हैं कविता की तरफ। हम भारत के गणनायक हैं, राजनीति अभिशाप नहीं। इन चोर चकारों की पंचायत चैपालों की खाप नहीं। हम खादी कुर्ते कफन लिबासों वाले चौकीदार नहीं। हम वतन लूट कर खाने वाले डाकू और गद्दार नहीं हैं। भीख मतों की हर खप्पड़ में 7 दशक से डाल रहे हैं। असमंजस होता है हमको, क्यों हम डाकू पाल रहे हैं। अच्छे अच्छे शब्द शलोने सुनकर पागल बन जाते हैं। ये प्रजातंत्र की खेती शब्दों के सौदागर क्यों खाते हैं। राजद्रोह के अभिशापों से
कौन सा नेता कहाँ बचा है, जो भी सत्ता में आता है उसने ही इतिहास रचा है। उनके पग चिन्हों पर चलने वाले चोरों के भाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम गीत डाकुओं के गाते हैं। राजनीति के किसी भी दल का नंगा नेता मुझे बता दो, करे राष्ट्र की सेवा दिल से उस नेता का मुझे पता दो। यहाँ वतन भत्ते घूस लुटेरी पेंशन मुर्दे चाट रहे हैं, जाति कौम कबीले मजहब ये जनमत को बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ये सारे बाप हो गए, हम देश के मालिक हम भारत के अभिशाप हो गए। 5 साल में ये डाकू अपने बीहड़ ही तो पाल रहे हैं, 7 दशक से भ्रष्टाचारी भारत को खंगाल रहे हैं। कोई ऐसा जगह बता दो व्यभिचार से मुक्त पंडी हो, कोई ऐसी जगह बता दो जो नज़रों से लुप्त पंडी हो। गिद्ध दृष्टि आकाश मार्ग से भारत को झांक रही है, 1.5 अरब के मुर्दों में भी सड़ी लाश को आंक रही है। कब तक इन मुर्दों के हाथ में यूं ही मरते जाओगे, वोट बैंक की राजनीति से भारत को कितना खाओगे। क्या चाहिए और नहीं चाहिए लोकतंत्र, अब वोट डालना बंद करो। कवि आग की मानो, पहले इस नेता का प्रबंध करो। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1-800-258-7060। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। वन डे यू विल टेल योर स्टोरी ऑफ हाउ यू हैव ओवरकम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू नाउ, एंड आई विल बिकम पार्ट ऑफ समवन एल्स सर्वाइवल गाइड। एक दिन आप अपनी कहानी बताएंगे कि आपने अब जो कुछ भी झेला है उस पर काबू पा लिया, और यह किसी और की उत्तरजीविका मार्गदर्शिता का हिस्सा बन जाएगा। का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।